राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी का ढाबा पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एकदम देसी रेसिपी केले का नाश्ता। इससे पहले हम एक नाश्ता बनाए थे, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुत सारे दोस्तों का बहुत सारा कमेंट है, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स खुला था तो मैं पढ़ दिया। उसमें आप लोगों ने बताया था कि राजा जी चप्पल पहन के चलिए। क्या होता है ना कि कहीं कहीं कोई कोई पौधा होता है तो चप्पल पहनने से देखिए वो जैसे कि चप्पल देखिए वो पौधा टूट गया है, देख रहे हैं मक्का का पौधा है टूट गया है और पैर से बच जाता है। बहुत सारे दोस्त बोलते थे कि पूरा आपका फार्म हाउस का हम नज़ारा देखना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त का आया है कि करेले का रसदार सब्जी बनाइए, बहुत सारा कमेंट है, एक एक करके हम बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा फार्म हाउस का आपको लुक दिखा देते हैं और फिर चलते हैं लेंगे केला। ये देख रहे सारा फूल एकदम यहाँ पर एक एक सब सारा तरफ फूल है, सारा तरफ देखिएगा ध्यान से तो फूल ही फूल है। इसमें सब्जियाँ बो दिए हैं, झिंगुनी है देख रहे हैं ना, मक्का भी अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है अभी जस्ट इसको प्याज। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए अमरूद कितना बढ़िया हुआ है, यहाँ आप नजदीक से देख सकते हैं इसको, देख रहे हैं अमरूद कितना बड़ा बड़ा अमरूद हुआ है। एक अमरूद तोड़ के आपको टेस्ट कराते हैं। ये देखिए ये देखिए देख रहे हैं ना, और भी अमरूद बहुत है। इधर देखिए कितना बड़ा बड़ा अमरूद हुआ है, देख रहे हैं ना। तो और छोटा भी अमरूद है, ये दो पौधा लगाए थे अमरूद का, ये देखिए इधर ये वाला छोटा छोटा अमरूद हो गया है। ये मतलब जो भी दिए हैं पौधा वाले, ये पौधा ठीक नहीं दिए, देख रहे हैं ना ये छोटा है। इसमें भी अमरूद बहुत होगा जब पकेगा ना, तभी इसमें भी अमरूद बहुत बढ़िया बढ़िया होगा। तो अमरूद आज तोड़ने नहीं आए हैं। और वैसे आपको सारा अगर ये पूरा हमारे फार्म हाउस का ना लुक देखना है ना, तो अनीता जी की दुनिया एक हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, उस पर हम सारा कुछ इसमें दिखाते हैं। हम तो जब सब्जी तोड़ने आते हैं तो फटाफट एक दो पौधा आपको दिखा देते हैं, अगर हम यही सारा दिखाने लगे ना तो यही वीडियो हो जाएगा 20-30-40 मिनट का। तो थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे आपको, तो चलिए चलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर करेला फल रहा है और एक आधा रेसिपी हम बना भी दिए हैं, करेला है अभी अभी थोड़े दिन में फल जाएगा, फिर हम करेला का भी रेसिपी बनाएंगे। बस एक लुक देख लीजिए दिल खुश हो जाएगा। अब चलते हैं केला लेने। ये तो केला छोटा छोटा में ही मतलब एकदम कच्चा केला है, इसका सब्जी भी बढ़िया बनेगा। और अगर आपके पास बड़ा केला है तो भी उसका नाश्ता बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे केले हैं, देख रहे हैं मैं यहाँ से, बस इतना ही केला का नाश्ता हमारा हो जाएगा काम भर का। देख रहे हैं छोटा केला है, इसमें गुद्दा भी है और सब्जी इसका बहुत बढ़िया बनेगा। तो इसी को ले चलते हैं और बनाएंगे। यहाँ थोड़ा अभी साफ किए खेत दिखाते हैं आपको, इधर क्या हुआ है देख रहे हैं, कागजी में वो रखे हैं, ये भी बढ़िया हो रहा है, अभी फल रहा है बढ़िया है, क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिल रहा था ना। ये देख रहे हैं पूरा ऊपर तक है। और यहाँ पे हम लोग ना बहुत सारे चीज़ बो रखे हैं, देख रहे ये सब जमना शुरू हो गया है। ये जगह को हम खाली किए हैं तो यहाँ पे हवा नहीं लग रहा था पौधों में, तो चलते हैं अब इसको बनाने। देख रहे हैं यहाँ पे हरी मिर्ची हमें थोड़ा सा चाहिए, तो हरी मिर्ची देख रहे हैं कितना बढ़िया फला हुआ है, तो हरी मिर्ची 4-5 दे देंगे हम। और थोड़ा सा लाल मिर्ची भी दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना ये तेजपात बो रखे हैं, तो तड़का तोड़का मारने के लिए इस तरह का पत्ते तोड़ के, ये देखिए इस तरह का पत्ते तोड़ के, वैसे पूरा रेसिपी हम बना के आपको दिखाएंगे। ये तेजपात का पत्ता है, पत्ता जब पुराना हो जाएगा एकदम खुशबू आना तेजपात की तरह, तो इसको हम पूरा आपको रेसिपी दिखाएंगे। फिलहाल अभी लाल मिर्चा पूरा पौधे में लाल मिर्चा हुआ था, देख रहे हैं ना, तो यहाँ से 4-5 लाल मिर्चा दे देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। वैसे तो इधर बहुत सारी सब्जियां हैं लाइन से किनारे किनारे, बहुत सारी सब्जियां हैं और बहुत सारे फल का पौधा है, तो धीरे धीरे फलता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। अभी इधर पेंटिंग का काम चल रहा है ना, तो ऊपर अभी हो चुका है लेकिन नीचे सब बाकी है, सोफा वोफा सब पेंट उंट हो जाएगा फिर आपको दिखाते रहेंगे। ऊपर अभी खाली ग्रीन ग्रीन पेंट हुआ है,
पकड़ लो दादा से, एक दो अमरूद लेके आओ। दादा वाला पका हुआ है, दादा के लिए ले लेता हूँ ना। दादा को अभी सुबह अमरूद दिया था, तोड़ के, थोड़ा हार्ड था तो बोले कि ये तो हार्ड बटे तो खाए एक कसे भी। अब देखो तो ये वाला देखे एकदम तो बाबूजी को सुबह सुबह उस पे से ना अमरूद तोड़ के दिया था, तो कह रहे थोड़ा हार्ड है, पका पका मिल गया, देते हैं वाला। पोता सुबह सब खाता है, काट दी कि खाई बा बड़ा नहीं जी, काट ठीक बा, ठीक है ठीक। चाकू से काट भी जरा, काट दे काट का मुंह बा ठीक बा भाई। ओ एथी बटे हां हार्ड बटे, ओमे से काट के दे दो। ओ मा ही भज नहीं है, तो पागल बका हो ना, केरा पता नहीं है। अच्छा ना पचुआ हटे हो दू है बटा, पर तारा दांत से बढ़िया टूटी मिले जा। तो सामान तो सारा देख आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले अमरूद का टेस्ट करेंगे कि कैसा हुआ है ये। ये देखिए, तो इसको सुबह ही लेके आए थे, तो अब नहा धोवा के तैयार हो गए हैं, और इसको पहले आप लोगों को टेस्ट कराते हैं कि अमरूद कितना बढ़िया हुआ है। देख रहे हैं ना, सारा लखनऊ बम्बैया अमरूद सब फेज है इसके आगे। तो भगवान को तो चढ़ गया था, बाबूजी को भी तोड़ के दिए थे, अब आप टेस्ट कर देते हैं कैसा बना है। आप लोग पहले टेस्ट कर दीजिए, भगवान का बनाया हुआ सब कुछ ठीक है। इतना टेस्टी अमरूद है, इतना मीठा अमरूद है कि पूछिए मत। एक तो हम लोग कुछ भी नहीं डालते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये बाज़ार में आपको किसी भाव में नहीं मिलेगा, समझ गए। तो आपका छोटा सा भी किचन गार्डन हो, थोड़ा भी जगह हो, तो अमरूद जामुन ये सब लगा देना चाहिए, एक एक पेड़, इससे बहुत फ़ायदा है। बहुत दिन से सोचते कम से कम 3 साल से इस मतलब प्रोसेस में लगे हुए हैं, मिट्टी भरवाने के बाद बाउंड्री कराए, बाउंड्री कराने के बाद पेड़ लगाए, अब 1 साल हो गया। 1 साल में अब देखिए पपीता भी फल रहा, अनार भी फल रहा, नींबू भी फल रहा, केला भी फल रहा है, आम भी इस बार फला था, हम लोग नहीं थे, अमरूद भी फल रहा है। अब अगला साल से जामुन, आंवला, गागल, बहुत सामान और भी है, वो फलना शुरू हो जाएगा। तो बाकी जो खा लेंगे और लोग, अब केला को तोड़ना है, कच्चा केला है, एकदम कच्चा केला है, छोटा छोटा केला है, तो इसको क्या करिएगा, तोड़िए, इसमें लेकिन छिलका है, तो इसका मतलब कि इसको ऐसे नहीं घिस सकते हम। अगर छिलका एकदम कच्चा होता, रेशा नहीं होता ना, तो इसको ऐसे ही आप घिस सकते थे, तो इसको ऊपर ऊपर से छिल देंगे हल्का हल्का इस तरह से, और जितना केला का बनाना हो आप बना सकते हैं। तो छोटा छोटा केला है, गुद्दा कम है, देख रहे हैं एकदम कच्चा केला है, और इस तरह से छिल छिल के इसको पानी में रखेंगे, नहीं तो काला हो जाएगा। तो सारा केला को छिल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से केले को छील देंगे, बहुत ज़्यादा कच्चा है तब तो छीलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें रेशा नहीं है। बहुत सारे दोस्तों के पास इतना छोटा केला नहीं होगा, तो अगर इतना छोटा आपके पास नहीं है ना, तो बड़ा बड़ा आप 3-4 किला ले लीजिएगा। ये छोटा इस वजह से ज़्यादा केला हम दे रहे हैं, क्योंकि ये खेत का है। इसी तरह छील छील के रखते जाएंगे पानी में, और फिर आपको दिखाते हैं। बहुत सारे दोस्तों को या बहुत सारे बच्चों को ये मतलब केला खाना पसंद नहीं है, तो अगर इस तरह से बनाइएगा तो सब्जी भी बच्चों को पसंद आएगा, नाश्ता भी पसंद आएगा। मैं आज सब्जी बनाने वाला हूँ केले का, और नाश्ता भी। और केले को पानी में रखें कि ज़्यादा काला नहीं होता है इससे, और इसको पानी झाड़ झाड़ के कद्दूकस कर देंगे इसको।
ये ग्रेटर से करेंगे ना तो बारीक बारीक होगा, तो इसी से कद्दूकस कर देते हैं। तो पोता हुआ भगवने को रख देंगे चूल्हे पे और इसमें डाल देंगे आधा लीटर करीब पानी। तो अकेला को कद्दूकस कर दिए हैं, एक बर्तन में डाल देंगे केले को। तो यहाँ पे चार हरी मिर्च काट दिए हैं, एक छोटा सा अदरक कद्दूकस कर दिए हैं, एक शिमला मिर्च है उसे भी बारीक बारीक काट दिए हैं, एक छोटा सा प्याज को भी बारीक बारीक काट दिए हैं। अब इसी में इसको डाल देंगे। छोटा छोटा पत्ता चाहिए इस तरह के, इन पत्तों को धो लेते हैं। इस पत्ते को ना स्ट्रेनर पर रख लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब समझ लीजिए कि इसमें अपने चार केला बड़ा बड़ा डाला है। तो यहाँ पे 50 से 60 ग्राम पहले बेसन डालते हैं, इसमें थोड़ा सा बेसन और लग सकता है, वो थोड़ा देखेंगे कि इसमें बढ़िया से केला और बेसन दोनों की क्वांटिटी लगभग बराबर होना चाहिए। अगर दोनों की मैचिंग होगी तभी तो ये बढ़िया से नाश्ता तैयार होगा। तो अगर बेसन कम होगा तो आपको खुद हम बता देते हैं। अभी इसमें डालेंगे एक टीस्पून नमक, इसमें आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर डालेंगे। डालने के लिए इसमें आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, या जो सब्जी आपके पास है वो डाल सकते हैं। जो आपको सब्जी बच्चों को पसंद है, आपको पसंद हो वो डालिएगा। अब इसमें हमें डालना भूल गए हैं थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, तो थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे बस। तो इसको मिक्स कर देते हैं और हमें इसमें आधा कप से एक कप के करीब पानी डालना है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का बेटर आपका होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे ताकि लम्स नहीं बने और एक बेटर तैयार करेंगे, इसका गाढ़ा सा ही बेटर तैयार करेंगे। देख रहे हैं लम्स नहीं है लेकिन ये बहुत अभी गाढ़ा है, देख रहे हैं ना कितना गाढ़ा है। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसको बढ़िया से फेंट देंगे, मिक्स कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा ये पानी गर्म हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देखिए पानी गर्म हो गया है, अभी उबाल पानी में नहीं आया है। पानी गर्म हो गया है, इसमें उबाल नहीं आया है। तो जब तक चूल्हा जला के और इस बैटर को सेट कर देते हैं, तब इसमें डालेंगे एक से यूनो का। आप चाहें तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है उसको भी डाल दीजिएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है ना, इससे थोड़ा फ्लफी ज़्यादा होता है। तो एक बूंद पानी डाल दिए इस पर और इसको मिक्स कर देंगे। अब इनो डालने के बाद ना बैटर को ज़्यादा देर तक आपको रखना नहीं है, अब इसे डाल देना है सीधे बर्तन में। ये बढ़िया से बराबर कर दिए हम, अब इसको रखेंगे इस पर। तो इसको ढक के 8 से 10 मिनट इसको पकाएंगे, अब आंच तेज कर देंगे। तो 10-12 मिनट पकते हो गए, आपको दिखाते हैं कि कैसा हुआ है ये। देख रहे हैं अभी हल्का हल्का कच्चा है, यानी कि 4-5 मिनट और पकाना पड़ेगा। इसको 4-5 मिनट और पका देते हैं।
अब देखिए बढ़िया से पक गया है ये, तो इसे उतार के ठंडा कर देंगे। थोड़ा ठंडा करने में टाइम लगेगा, जब ठंडा हो जाता है बढ़िया से तब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए ठंडा हो गया है, तो इसको एक थाली पे पलट देंगे इस तरह से, देख रहे हैं ना निकल गया। अब इसका पत्ता हटा देंगे। तो पत्ते की जगह बटर पेपर भी लगा सकते हैं, नहीं तो थाली को ग्रीस करके भी आप जमा सकते हैं। इसकी कटिंग कर देते हैं, आप जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं, आपको जैसा मर्जी करे, चकोर तिकोना कर सकते हैं। देख रहे एकदम बढ़िया स्मूथ कट गया है, एक एक पीस। ये देखिए, देख रहे किस तरह से जाली भी आया इसमें। तो अब इसको आप थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, आपको मैं बोला था कि इसमें नाश्ता भी बनता है और सब्जी भी बनता है, तो दोनों तरीका आपको बता दूंगा। देख रहे एक एक पीस एकदम बढ़िया, कोई भी टेढ़ा वाला भी पीस लीजिएगा इधर से तो भी आपका पीस ठीक है, देख रहे हैं ना मस्त। तो पहले आपको नाश्ता बनाना बता देते हैं, फिर सब्जी भी इसका बता देंगे। यहाँ कढ़ाई रख लिए हैं, अब कढ़ाई को गर्म हो जाने देते हैं। हम इसे सेजो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, इसको गर्म हो जाने देते हैं। तड़के में दिए हैं 2-3 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून राई, सरसों भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे 1 कढ़ी पत्ता का पूरा डंठल है, डाल देते हैं। इसको और चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च मत डालिएगा, इसको भी डाल देते हैं। अब इसमें से पीस निकालते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। अब आंच को थोड़ा तेज जला के और चारों तरफ तेल को इस तरह से हम घुमाएंगे, इस तरह से, देख रहे हैं ना बढ़िया से कि चारों तरफ से सब पकेगा। एक तरफ से जब थोड़ा सा कोटिंग आ जाएगा गोल्डन ब्राउन का, तो हम इसे पलट देंगे। 2-3 मिनट के बाद ना इसको देख लीजिएगा कि पीछे से गोल्डन ब्राउन हुआ है कि नहीं, इस तरह से पलट पलट के, देख रहे हैं हो गया है ना। बस हमें इतना ही करना है, इस तरह से इसको दीवार पे डालते जाइएगा। ये देखिए तो हो गया, इसको निकाल देते हैं। तेल बढ़िया से निचोड़ के इसको निकाल देंगे। तो जितना तेल लगा है इस नाश्ते में, उतना ही तेल में आप सब्जी बना सकते हैं। जैसे कि आपने तेल डाला कढ़ाई में, अब जो बचा हुआ है अगर इतना तो नाश्ता में आप खाना चाहते हैं, जो बच गया है उसका आप सब्जी बना सकते हैं। जैसे कि तेल डाले कढ़ाई में तो जीरा तेजपात का तड़का दे दीजिए, जितना आपके पास ये बना रखे हैं आप उस हिसाब से प्याज टमाटर डालिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला डाल के ग्रेवी बना लीजिए और ग्रेवी में इसको डाल दीजिए तो सब्जी भी बढ़िया बन जाएगा। बाकी को हम फ्राई कर देते हैं। तो देख रहे हैं हमारा नाश्ता किस तरह से देखने में बढ़िया लग रहा है और खाने में भी टेस्टी है ही है। तो आपको टेस्ट करके बताते हैं कि बना हुआ कैसा नाश्ता है। ये देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया बना हुआ है, चारों तरफ से देख सकते हैं। इसको तोड़ के दिखाते हैं कितना ये सॉफ्ट बना हुआ है, ये देखिए। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो हरी चटनी मीठी चटनी कोई भी बना के उसके साथ भी खा सकते हैं।
तो आपको टेस्ट करके बता रहे हैं कि कैसा बना हुआ। पहले आप टेस्ट कर दीजिए। टेस्ट तो एकदम अमेजिंग है, लेकिन इसमें है सरसों तेल से हम बनाए हैं तो देखने में आपको थोड़ा लग रहा है कि झाग झाग जैसा दिख रहा था। आप रिफाइनर में बना सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो ये आप केले का नाश्ता कब बना रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अभी एक हम नाश्ता बनाए थे, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। उसमें सारा कमेंट जो आया था हमने सब पढ़ा है और धीरे धीरे उसकी रेसिपी आप लोग तक पहुँचेगा। वीडियो पसंद आई हो अगर केले के नाश्ते की तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। हमारा आईडी है दादाजी का ढाबा। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।